शर्मा कथित विवादित बयान, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने समर्थन दिया। खास कवरेज ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। हत्याकांड जारी है, आतंकवादी हमले जारी हैं, जो सियासी माहौल है इसमें भूचाल आना स्वाभाविक रहता है। यूथ कांग्रेस ने यहाँ पर दिल्ली भर में पोस्टर बैनर भी सड़कों पर लगा दिया। देश मांग कर रही है मौत के बदले मौत, यानी फांसी दी जाए। खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का हाल है, वो चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति तिवारी। नुपुर शर्मा के कथित विवादित बयान का एक तरफ लोगों ने विरोध किया तो दूसरी तरफ लोगों ने समर्थन दिया। समर्थन इतना कि समर्थक बेबाकी से भिड़ गए और विरोध इतना कि विरोधी ने हत्या कर दी। ऐसे में एक तरफ हत्याकांड और आतंकवाद तो दूसरी तरफ गरमाया राजनीतिक विवाद। इस क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली के अकबर रोड पर बैनर और पोस्टर लगाए। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज और जम्मू से पकड़े गए आतंकवादी तालिब के बीजेपी के साथ संबंधों का दावा किया। कांग्रेस मुख्यालय से द न्यूज 15 ने खास कवरेज किया। देखिए हमारे संवाददाता प्यारे मोहन त्रिपाठी की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। उदयपुर घटना और ठीक उसके जैसा अमरावती में घटना, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमले। मानक तो ये है कि हत्याकांड जारी है, आतंकवादी हमले जारी हैं, सरकार कहीं ना कहीं प्रयासरत भी है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन भारत में एक तरफ जो सियासी माहौल है इसमें भूचाल आना स्वाभाविक रहता है, और इसी क्रम में देखा जा सकता है अभी हम राजीव चौक पर हैं और राजीव चौक पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर खड़े हैं। यूथ कांग्रेस ने श्रीनिवास बीवी की अध्यक्षता में यहाँ पर दिल्ली भर में पोस्टर बैनर भी सड़कों पर लगा दिया। हम कैमरामैन से कहेंगे पोस्टर दिखाएं। ये पोस्टर लगाया गया और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस का ऐसा दावा है कि अगर बात करें हम सबसे पहले उदयपुर का, ये देखिए कांग्रेस ने ये जो पोस्टर लगाया है, उदयपुर के ये दो हमलावर आपको दिख रहे हैं, ये दो वो लोग हैं जिन्होंने सरेआम कत्ल की थी, वीडियो जारी किया था और एकदम मतलब निर्दयता से पूरी। और ये उदयपुर के आतंकवादी रियाज हैं और इन रियाज का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है, ऐसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है। साथ ही अगर आपको दूसरी तरफ ले चलें, अगर आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं, तो हम जम्मू पहुंचते हैं और ये आतंकवादी तालिब है और इसका जो संबंध है ये जम्मू बीजेपी के आईटी सेल का चीफ बताया जा रहा है और ऐसा ये कांग्रेस दावा कर रही है। हमारे ये व्यक्तिगत आकलन नहीं है, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। और कांग्रेस से पवन खेरा ने भी वहाँ एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दावा किया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से इन दोनों आतंकवादियों का जोलमेल है, इन दोनों आतंकवादियों का संबंध है और कहीं ना कहीं ये देश भर में उसके बाद से कांग्रेस का जो यूथ विंग है, जो इंडियन यूथ कांग्रेस है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है और जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंध बता रही है। हालांकि मानक तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए क्या होता है, बड़े नेता होते हैं, समाज में जाते हैं, कई जगह सड़कों पर उतर आते हैं। और अगर ऐसे में बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो आपको ये बता दें कि समाज है और नेता है, नेता कहीं भी उतर सकते हैं, कहीं भी फोटोग्राफ्स उनके साथ कोई भी क्लिक कर सकता है और बाद में अगर उन फोटोग्राफ्स को अपना एक बिहाव बनाकर लोग ये ट्रोल करने लग जाएं कि इनका इनसे संबंध है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए कोर्ट कचहरी तय करे या फिर इस पर कोई सरकारी जाँच कराई जाए जिससे ये सच हो सके और इस मानक का पूर्ण रूप से जांच हो और फिर आउटकम निकले कि क्या सच्चाई है, तह तक की जानकारी पहुंच पाए। कांग्रेस का हालांकि दावा है कि ये दोनों आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध में हैं, हालांकि देश मांग कर रही है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मौत के बदले मौत यानी फांसी दी जाए। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज 15 दिल्ली। और अब संबंधित विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए भाजपा दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द न्यूज 15 में। जी थैंक यू, नमस्ते सर। उदयपुर में हुए हत्याकांड और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है, वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में विभिन्न तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बात करें अगर दिल्ली की, तो कांग्रेस के यूथ विंग ने जगह जगह पर पोस्टर और बैनर लगाकर उदयपुर और जम्मू कश्मीर के आरोपियों को भाजपा के साथ संबोधित करा हुआ है। इसमें आपकी क्या राय है और आपको आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? कांग्रेस का हाल है, वो चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं।
उदयपुर में जो हुआ उसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस जिम्मेदार है, हम सभी जानते हैं। कन्हैयालाल जी ने बार बार पुलिस से प्रोटेक्शन मांगी और सभी जानते हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन नहीं दी, बल्कि प्रोटेक्शन उन लोगों को दी जो अपराधी हैं, और उसी के कारण वो हत्याकांड हुआ। अगर कांग्रेस अपना जो काम है अच्छे से करती, विपक्ष के नाते मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाती, लोगों को भड़काने, लोगों को भटकाने का काम नहीं करती, तो इस तरीके की हिंसा नहीं होती। हिंसा फैलाने में भी कांग्रेस का सीधा हाथ है। वो जब चारों ओर से घिर गए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो अनगल बातें कर रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, हो सकता है बहुत सारे लोग जो असामाजिक तत्व हैं कभी किसी प्रोग्राम में किसी नेता के पास आ गए हों, तो ये स्वाभाविक है। अगर अपने देश में रहता है, सामाजिक कार्यक्रम में कोई आता है तो हम उसकी स्कैनिंग नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ना कोई ऐसा व्यक्ति पदाधिकारी हो सकता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है। जी सर, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा हमेशा गलत के साथ ही खड़ी रहती है, बस उनको मौका चाहिए, वो चाहे दोषियों का साथ लेकर ही बस उन्हें बीजेपी पे निशाना साधना है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये दिखता है, प्रैक्टिकल में दिखता है। जब हिंदुओं का अपमान किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, तो मौन धारण कर लेते हैं, मुंह नहीं खोलते, और ना ही उनकी सरकार उन पे कोई कार्रवाई करती। और जब हिंदू पीड़ित होता है, हिंदू को मारा जाता है, हिंदू पे हत्याकांड किया जाता है, हिंदुओं के साथ अपराध किए जाते हैं, तो भी उनकी जो सरकार है गंभीरता से नहीं लेती। अगर गंभीरता से लेती तो आज हत्याएं नहीं होती, आज कन्हैयालाल जी जीवित होते, आज महाराष्ट्र में उमेश जी जीवित होते, और हजारों लाखों लोगों में जो भय का माहौल बना है वो भय का माहौल नहीं होता। जी सर, तो जो ये काली माँ वाले पोस्टर पे अब जो ये नया सियासी गर्माहट जो कांग्रेस फैला रही है सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, वो इकोसिस्टम लगातार हिंदुओं को दबाने का, हिंदुओं को पीड़ित करने का, हिंदुओं को बदनाम करने का काम करता है। चाहे हिंदू देवी देवताओं के नग्न फोटो, चाहे हिंदू देवी देवताओं के जो पोस्टर हैं या फिर अखबार हैं उन पे मीट का सर्व करना है, मीट बेचना है, या हिंदू देवी देवताओं को अनगल तरीके से दिखाना है, या सिगरेट के साथ माँ काली को दिखाना है, ये सब एक इकोसिस्टम का पार्ट है, और ये इकोसिस्टम लेफ्ट और कांग्रेस द्वारा ही डेवलप किया गया है, इन्हीं के द्वारा फंडेड है, देश विदेश से उनको पैसा मिलता है। अगर ये ऐसे इकोसिस्टम को ना डेवलप करते तो ये इकोसिस्टम हिंदुओं को अपमानित करने की जरूरत नहीं करता। 70 साल में उन्होंने ऐसे लोगों को सह दी है। और तो और आप देखिए तृणमूल कांग्रेस की एमपी क्या कहती हैं, मेरे लिए तो जो माँ काली है वो मांस खाने वाली देवी है, वो शराब ग्रहण करने वाली देवी है। कैसी सोच है इन लोगों की, और ये पूरे इकोसिस्टम की वजह से है। जी सर, तो सर अभी भी जैसे लगातार धमकी के लिए कई पोस्ट सामने आ रहे हैं, उनपे बातें आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये कैसी मानसिकता है भला? देखिए ये कट्टरपंथी जो मानसिकता है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। और कुछ लोग मुसलमानों में भी सामने आए, कुछ धर्मगुरु सामने आए, उन्होंने बोला है कि इस तरीके की सोच गलत है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो नहीं सामने आए वो भी बराबर के अपराधी हैं, जब उनपे बात आती है बड़े बड़े बयान देते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, फतवा जारी करते हैं, लेकिन जहां लोग शांति की बात आती है वहां पे वो चुप रह जाते हैं। अब अजमेर में जिस तरीके से एक धर्मगुरु ने बयान दिया कि गला काट लाइए, मेरे घर को ले लीजिए, वो अजमेर शरीफ की जो वहां पे दरगाह है उससे लिंक्ड है, और उसपे कांग्रेस चुप रहती है, उसपे विपक्ष चुप रहता है, क्योंकि उनको पता है कि अपीजमेंट की राजनीति की वजह से ये लोग मुंह नहीं खोलेंगे। तो सर अब जरा समय की पाबंदी है, तो जल्दी से एक छोटा सा अंतिम सवाल और एक ले लेते हैं, इसमें आपकी सरकार क्या दावा कर रही है, और जैसा जनता इन आरोपियों की फांसी की मांग कर रही है, तो इस पर आपकी सरकार कितना अमल कर रही है? सरकार गंभीर है, एनआईए जांच कर रही है, सारे लिंक खंगाले जा रहे हैं, किसने इनको सपोर्ट किया, किसने इनको पाकिस्तान भेजा, किसने इनको भटकाया, किसने किस किस से ये इनकी बातें होती थी, और किसकी सह पे इन्होंने हत्याएं की, वो सब की जांच हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं सभी से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए। विपक्ष आपको मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी राजनीति साधना चाहता है, आपका उससे भला नहीं होगा, आपका भी अपना परिवार है, आप देश की सोचिए, समाज की सोचिए, किसी के बहकावे में ना आए। थैंक यू। जी सर, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए। थैंक यू सर।